Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11 students. Presently, we are studying about how to deal with GST, how to prepare a purchases book in case of GST, GST के साथ आपके purchases book कैसे लिखा जाता है, और इस क्वेश्चन में मैं purchases return book के बारे में आपको बताऊंगा. The question is, record the following transactions in the purchases book of Kamla Stores, Delhi from April 2020, जो भी दे रखा है year. In the books of Kamla Stores, Delhi, purchases return book. Here we will be writing purchases return book. इसमें आपके columns देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columns. और ये कॉलम के अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और अमाउंट होगा. और ये जो कॉलम्स होता है, ये कॉलम्स, इसके अंदर अमाउंट में रुपीज के सिंबल होना चाहिए और यहाँ पे ईयर लिख दो जो भी बुक में दे रखा है. और यहाँ पे परचेजेस रिटर्न्स, ये कमला स्टोर्स दिल्ली ये क्या चीज बेचता है हमें पता नहीं है, तो परचेजेस रिटर्न्स ऑफ गुड्स लिखेंगे. द फर्स्ट डेट बीइंग अप्रैल 6, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली. तो अप्रैल 6, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली. परचेज्ड 5000, 5000 का उनसे खरीदा था, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच. इसका 6% 300 रुपये होता है. सीजीएसटी 5000 का 6% एंड एसजीएसटी 5000 का 6%. ये 300, ये 300, तो ये आएगा 5600 रुपए. टोटल इट विल बी 5600. तो हमारे जो गुड्स का कॉस्ट जो हम खरीदे थे, और कमला स्टोर्स दिल्ली वाले हैं हम रमेश ब्रदर्स दिल्ली को रिटर्न कर रहे हैं. तो विद इन द स्टेट ऑफ दिल्ली हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, ये आपको पता है. दिल्ली बाहर किसी से खरीदा था और वापस करेंगे तो एट दैट टाइम इनपुट आईजीएसटी विल बी अप्लाइड. तो अभी जो कॉस्ट है ये 5000 इस लाइन में लिखेंगे, दिस इज द कॉस्ट, ये वाला, दिस वन. सीजीएसटी 300 रुपए ये वाला लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी कॉलम में, एंड इनपुट एसजीएसटी कॉलम में ये वाला 300 लिखेंगे, और अमाउंट कॉलम में ये 5600 इधर आएगा, दिस वन, सी दिस वन विल कम. तो नाउ द डेट 6 का जो आंसर है वो हमने करा, अप्रैल 8, रिटर्न टू सोहन ब्रदर्स मिरठ. तो रिटर्न टू सोहन ब्रदर्स था अप्रैल 8 तारीख का, अप्रैल 8, सोहन ब्रदर्स मिरठ. मिरठ दिल्ली ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं है, दिल्ली स्टेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर. इट इज इन यूपी, इट इज ऑल्सो ए फेमस प्लेस. तो इसमें इनको वापस करा, परचेज 10000 प्लस आईजीएसटी 12%, उनसे कुछ चीजें खरीदा था 10000 का. तो मिरठ जब यूपी में होता है, जो कि दिल्ली स्टेट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, तो उसमें आईजीएसटी 12% लगा है. तो आड आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी 10000 का 12% 1200, तो टोटल कॉस्ट हो गया 11200. 11200 लिखने का तरीका होता है, कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं खरीदने के टाइम पे हमें कॉस्ट पड़ा था 11000, ये 10000 इसको हम रिटर्न करेंगे. और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं, वी हैव इनपुट आईजीएसटी, तो आईजीएसटी यहाँ लिख देंगे, विल बी राइटिंग द आईजीएसटी हियर, ये 1200. और टोटल ये दोनों का एडिशन होगा, यू कैन से इसी को यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज आईजीएसटी टोटल कॉस्ट, दैट इज 11200. इसके बाद अप्रैल 17 का लिखेंगे, रिटर्न गोड्स टू महेश ब्रदर्स ऑफ 2000, महेश ब्रदर्स 2000 का, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, सीजीएसटी इसका 6%, 2000 का 120.
और SGST 2000 का 6% 120, तो ये 120 ये 120 ये तीनों को मिलाने के बाद 2240 हो गया। तो इसमें कॉस्ट में लिखो 2000 रुपये, जो कॉस्ट प्राइस दिस वन, ये कॉस्ट कॉस्ट में आएगा। और आपके जो GST है, CGST, सेंट्रल इनपुट सेंट्रल GST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो GST है 120, इधर लिखो इनपुट GST कॉलम में। एंड स्टेट GST जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का होगा, यूपी गवर्नमेंट का, 120 इधर। दिस इज द शेयरिंग, हाउ इट इज बीइंग शेयर्ड। तो और ये तीनों का टोटलिंग, आई मीन दिस वन, इसका टोटलिंग यहां लिखो अमाउंट में। अमाउंट मतलब ग्रॉस टोटल, दिस इज 2240, ये हो गया। आफ्टर दिस व्हाट इज टू बी डन इज, आपको इसके कंप्लीट एडिशन करना है, ये सारे कॉलम्स को ऐड करना है। एंड दिस इज डन एट द एंड ऑफ द मंथ, अप्रैल 30, यूजुअली महीने के लिए बनता है अप्रैल 30। और यहाँ पे टोटल लिखेंगे और हर कलम को टोटल करते जाएंगे, दिस इज 17,000, दिस इज 420, दिस इज 420, दिस इज 1200 एंड दिस इज योर्स 19,040 रुपीज। तो इसका एक जर्नल एंट्री करेंगे, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 17,000, इनपुट CGST डेबिटेड, परचेज रिटर्न क्रेडिटेड और इनपुट CGST क्रेडिटेड, इनपुट SGST क्रेडिटेड, इनपुट IGST क्रेडिटेड एंड टोटल अमाउंट रिटर्न्स में आएगा। आपके रिटर्न्स परचेज रिटर्न बुक है, तो जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे, इसी में विल बी राइटिंग द नेम जो कि परचेजेस कंप्यूटर है, कमला स्टोर्स दिल्ली। तो इट इज लाइक दिस, इसमें हमें ये दिस इज आवर कमला स्टोर्स, यहाँ पे नाम बदल गया है, तो विल बी राइटिंग इन द बुक्स ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली। इट इज नॉट ज्ञान प्रसाद, इट इज कमला स्टोर्स दिल्ली। तो कमला स्टोर का दिल्ली में हम क्या करेंगे ना, इसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट एज यू नो इट इज 5 कॉलम वाले, और अमाउंट यहाँ पे अमाउंट कॉलम में दोनों डेबिट क्रेडिट में रुपीज, और यहाँ पे ईयर, और एंड ऑफ द ईयर होता है अप्रैल 30। इंडिविजुअल पर दुकानदार जिनको हम भेज रहे हैं, बिजनेस हाउसेस, रमेश ब्रदर्स दिल्ली, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST 5,600 डेबिट। सोहन ब्रदर्स मिरट, इंडिविजुअल अमाउंट 11,200। महेश ब्रदर्स 2,240, ये इनको इंडिविजुअली इंक्लूडिंग GST इतना रिटर्न होगा गुड्स। तो एक एक करके टोटल परचेजेस रिटर्न्स कितना है, यू कैन राइट डाउन परचेजेस रिटर्न रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 17,000, ये तीनों का 5,000, 11,000, 2,000, GST काट के 1,000 रुपये 17,000। टू इनपुट CGST, ये हमेशा डेबिट होता है, रिटर्न के टाइम पे गुड्स इसको कैंसिल करके क्रेडिट कर देते हैं टोटल। एंड टू इनपुट SGST, वो भी स्टेट GST, वो भी क्रेडिट कर देंगे कैंसिलेशन के लिए। ऑन टू इनपुट IGST, जो मिरट का है वो IGST है। तो देन ये तीनों हो गया, और नैरेशन लिख देंगे बींग परचेज्ड गुड्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पूरा अप्रैल महीने का ये एक ही एंट्री है। और आज यू नो जर्नल को हम हमेशा लास्ट में टोटल करते हैं, टोटल करना चाहिए, कभी कभी दे नहीं रखा है। अगर आप फाइनल एग्जाम में बिना एडिशन में जर्नल को छोड़ दिया तो हो सकता है आपके ऊपर नंबर का प्रॉब्लम हो, तो मार्क्स कट जाए। तो इसके बाद ना मैंने क्या करा ना, पूरा क्वेश्चन को इन नॉट सेल, कोई अपने आप ट्राई कर रहा है तो ही कैन चेक लाइक दिस, आफ्टर दिस पेज यू कैन सी ये कमला स्टोर्स दिल्ली एंड हियर
जर्नल एंट्रीज ऑफ अ कॉमला स्टोर्स दिल्ली, यहाँ पे अप्रैल 30 का जर्नल एंट्री दे रखा है दोनों, एंड यू कैन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन कंपेयरिंग, एंड परफेक्शन के लिए आपको खुद ही करके टेस्ट करना पड़ेगा, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर परचेजेस रिटर्न्स बुक।